नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रही हैं फिल्मी बीट। आलिया भट्ट इन दिनों अपने करियर की बुलंदियों पर है और आज वो अपना जन्मदिन भी सेलिब्रेट कर रही हैं। आलिया हर दिन किसी न किसी वजह से चर्चा में छाई रहती हैं और इनमें से एक वजह है रणबीर कपूर, जिनके साथ उनके अफेयर की खबरें इन दिनों सुर्खियों में है। फिलहाल रणबीर के साथ आलिया की शादी की खबरें भी काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं और इस बार आलिया भट्ट ने अपनी शादी को लेकर कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी इन खबरों पर एक्ट्रेस ने कहा है कि सबको समझना होगा कि पर्सनल लाइफ को पर्सनल कहने के पीछे कोई वजह है। उन्होंने ये भी कहा कि कई सेलिब्रिटीज अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बातें नहीं करते। उनके मुताबिक आप थोड़ा भी कुछ कहते हैं तो उसे लेकर बातें बनने लगती हैं, जिसमें उनके कथित शादी की बात होती है। आलिया ने ये भी कहा कि चूंकि इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है तो हर कोई उम्मीद करता है कि आलिया भट्ट भी शादी कर ले। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनके मन में ये सब नहीं चल रहा। भले ही उन्होंने इससे इनकार नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये फिलहाल उनके प्लान का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलहाल वो केवल अपने काम पर फोकस करना चाहती हैं। आलिया ने कहा कि उन्हें लगता है कि वक्त के साथ उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। वर्क फ्रंट की बात करें तो आलिया के पास अभी कई फिल्में हैं जिसमें ब्रह्मास्त्र और कलंक है। कलंक के टीजर लॉन्च पर आलिया भट्ट काफी इमोशनल नजर आई थी। What number film this is? I think it's the ninth. It's the ninth film. So we know how lucky nine is, at least for Akshay Kumar. I remember that. I hope it's lucky for us as well. Alia, I know when you heard Kalank really right at the beginning, and you having been close to Abhi, it was something that initially you were part of, even when it was being nurtured. And now when you see it all come together, how does it feel? Oh God, here goes. These are the... Firstly, I have to ask on Abhi's behalf, he wants to know if he can sit. No, you can't. Just stand. He's firstly, like me, we like to keep low profile, you know. Firstly, I have to say that, just sharing the stage with all these wonderful people, actors, artists, like human beings, it just feels really surreal. So thank you, Abhi, for bringing us all together. Thank you, Karan. Thank you, Sajid sir. Thank you, everybody, for making this happen. Genuinely, I'm going to try very hard to be a little bit normal, but it's very difficult because I have a lot of love for my director and for my friend, and he's put in a lot of effort and hard work into making this film happen. And every time I see this, any visual or even right now watching this, it's really surreal. And I just have to say that he's the nicest, most amazing human being in the world. He is so nice that I just wish that this film, of course we all wish for ourselves, but I really wish that it kills it, mostly and mainly only for him, because he's a lovely, lovely person and he deserves all the success and love in the world. Now I'm going to stop talking because my makeup will get ruined. आपको बता दें, बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपना 26वां जन्मदिन मना रही हैं। गुरुवार देर रात आलिया भट्ट ने अपने परिवार और दोस्तों को पार्टी दी और अब आलिया भट्ट ने शादी की बात पर बोला कि फिलहाल उनका कोई प्लान नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।